सो हेलो एवरी वन, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द टॉपिक फंक्शंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि बिजनेस फाइनेंस के जो फंक्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, या फिर बिजनेस फाइनेंस के फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस के फंक्शंस बेसिकली हम उसको फीचर भी कह सकते हैं, या उसको जो बेसिक काम है या उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसको हम फंक्शंस कह सकते हैं। सो अब बात करते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस के फंक्शंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बिजनेस फाइनेंस का फंक्शन है वो होता है रूटीन या फिर इंसिडेंटल फंक्शन, जिसका मतलब होता है कि जनरली ये फंक्शंस जो है बिजनेस फाइनेंस के होते हैं। एंड इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि फंड का कलेक्शन करना, मतलब इसमें हम फंड को कलेक्ट करते हैं। आप डेट इशू कर सकते हो या इक्विटी इशू कर सकते हो या फिर लोन ले सकते हो, एंड डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं आपके पास फंड को रेस करने के लिए जिनसे आप फंड की कलेक्शन करते हो। एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है वो होता है कि रिजर्व मेंटेनेंस, मतलब आपने फंड को कलेक्ट करके रख लिया, उसके बाद आप रिजर्व भी तो मेंटेन करके रखोगे, क्योंकि भैया हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर में कभी भी अपनी कैपिटल की या अपने फंड की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है कोई लॉस हो जाए, कोई भी मतलब इमरजेंसी के केस में आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिजर्व में उस पैसे को बचा के रखो जो आपने कहीं से कलेक्ट किया है। एंड तीसरा पॉइंट है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, मतलब इसमें हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा कि फ़ंड को हमें कहाँ पे जो यूज़ करना चाहिए कहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। एंड इसका जो चौथा पॉइंट है वो होता है कि इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस की, कि हमारे बिजनेस की इस टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमें इस टाइम अपने बिजनेस में लॉस से सफ़र कर रहे हैं या फिर हम प्रॉफिट में सफ़र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख सकते हैं। दैट्स वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे फंक्शन की तरफ, जो कि होता है मैनेजरियल फंक्शन। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर का जो पहला पॉइंट है वो होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब इसमें हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे अपने फंड को हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिटर्न मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर भी दो पॉइंट्स होते हैं, पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मशीन ले रहे हो जो कि आपकी 1.5-2 लाख रुपए की आती है, वो मशीन अगर आपने ले ली तो वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि अगर आपको मशीन परचेस करनी है, ठीक है भैया 2 लाख की मशीन है, लेकिन आपको रेंट पर वो मिल रही है, महीने का 5-6 हज़ार रुपये आपको रेंट देना पड़ रहा है, एंड उस मशीन को आप अपने बिजनेस में जो है यूज़ कर सकते हो केवल 5-6 हज़ार रुपये महीना रेंट देकर, तो उस टाइम पर आप जो है रेंट दे रहे हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है, क्योंकि वो आप कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एंड आपकी जब मर्जी है तब आप मशीन से काम करवाना बंद कर सकते हो, क्योंकि मशीन आपकी खुद की तो है नहीं लिटरली, वो तो आपने जो है रेंट पे ले रखी है, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि मैनेजरियल फंक्शन का सेकंड पॉइंट है, जिसमें जो है फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, मतलब हमने फंड को कलेक्ट कर लिया, अब हम फंड को कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके। एंड फाइनेंसिंग डिसीजन में हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि हो सकता है कि हमें कुछ फंड जो है वर्किंग कैपिटल के लिए बचा कर रखना चाहिए, खुद कुछ अपनी कैपिटल में लगाना चाहिए, कुछ एसेट को परचेस करने में लगाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम फाइनेंसिंग डिसीजन में ही करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में इस चीज़ का और डिसाइड करते हैं कि हमें जो है अपने फ़ंड को कहाँ पे किस किस तरह से और किस किस सिचुएशन में यूज़ करना है अपने फाइनेंस को। सो आई होप आपको ये सारे फंक्शंस जो है समझ में आए होंगे। एंड इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो के नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे, तो आप ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।